उदाहरण 7। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। यदि एक वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हल, माना कि पुत्र की वर्तमान आयु 8 वर्ष, तब व्यक्ति की वर्तमान आयु 2 वर्ष। एक वर्ष पहले पुत्र की आयु हम जान रहे हैं कि माना कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो एक वर्ष पहले पुत्र की आयु x ऋण 1 वर्ष होगी तथा एक वर्ष पहले व्यक्ति की आयु वर्तमान आयु व्यक्ति की x की घात 2 वर्ष है, तो x की घात 2 ऋण 1 वर्ष। एक वर्ष पहले व्यक्ति की आयु x की घात 2 ऋण 1 वर्ष होगी। चूंकि एक वर्ष पहले व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 8 गुना थी, इसीलिए व्यक्ति की आयु एक वर्ष पहले बराबर 8 गुना व्यक्ति की आयु अधिक थी उसके पुत्र से, तो हम 8 को गुणा करेंगे पुत्र की आयु एक वर्ष पहले से। या यहाँ कोष्ठक खोलेंगे दाएं पक्ष में, तो x की घात 2 ऋण 1 बराबर 8x ऋण 8, या इसको पक्षांतर करेंगे बाएं पक्ष में, तो x की घात 2 ऋण 8x, और उसी तरह से ऋण 8 का पक्षांतर करेंगे तो धन 8 में ऋण 1 बराबर धन 7 बराबर 0 हमें प्राप्त हुआ। या 8x को हम 7 के गुणांक में लिखने के लिए हम इसे लिखेंगे x की घात 2 ऋण 7x ऋण x धन 7 बराबर 0। या पहले दो पदों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे x, तो x ऋण 7 हमें मिलेगा, और अंतिम दो पदों में से ऋण 1 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x ऋण 7 हमें प्राप्त होगा बराबर 0। या दोनों पदों से उभयनिष्ठ x ऋण 7 हम निकालेंगे तो x ऋण 1 हमें प्राप्त होगा बराबर 0। आगे देखते हैं, हमने देखा x ऋण 7 और x ऋण 1 बराबर 0 हमें प्राप्त हुआ था, या हम लिखेंगे x ऋण
सात बराबर शून्य या एक्स ऋण एक बराबर शून्य, इन दोनों में कोई भी एक शून्य हो सकता है। ऋण सात का पक्षांतर करने पर एक्स बराबर सात या एक्स बराबर ऋण एक का पक्षांतर करने पर एक, एक्स बराबर एक के लिए पिता व पुत्र की आयु एक वर्ष है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः x बराबर हम सात लेने पर पुत्र की वर्तमान आयु x बराबर सात वर्ष एवं पिता की वर्तमान आयु x की घात दो बराबर x का मान सात की घात दो बराबर सात गुणा सात बराबर 49 वर्ष। इस तरह से हमने ज्ञात किया कि पुत्र की वर्तमान आयु x बराबर सात वर्ष एवं पिता की वर्तमान आयु x की घात दो बराबर सात की घात दो बराबर 49 वर्ष। यह इस उदाहरण का हल होगा।